Morning to all. In place now, BA first year, Pedagogy of English. Today, our topic of learning is intensive learning. In the last class, पिछली क्लास में मुझे कक्षा में हमने पढ़ा था कि रीडिंग रीडिंग क्या होती है वाई रीडिंग चीज इम्प्रूव इन द स्टूडेंट्स और द लर्नर तो स्टूडेंट्स के अंदर लर्नर के अंदर बालकों के अंदर लर्निंग की स्किल को इम्प्रूव किया जाना जरूरी है ताकि वो लैंग्वेज के ऊपर कमांड पा सके तो टुडे वी विल सी द टाइप्स ऑफ रीडिंग इन टाइप्स ऑफ रीडिंग द फर्स्ट वी विल सी इंटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है किस प्रकार की रीडिंग होती है किस प्रकार का पढ़ना होता है या पठन होता है तो दैट विल बी इंटेंसिव रीडिंग मींस इंटेंसिव रीडिंग मींस माइंड एंड डिटेल of the prescribed tools. So, intensive reading क्या होता है? Intensive reading का मतलब है एक निर्धारित पाठ का विस्तृत अध्ययन करना, जिसके अंदर उसका सेंस क्या आता है, उसका अर्थ क्या आया था, उसका सार क्या आया था, उसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या आया था, इसके वर्ड्स क्या आया थे, फ्रेजेस क्या आया थे, सब कुछ इंप्रूव होता है। तो डिटेल स्टडी करते हैं जब हम किसी कोर्स टेक्स्ट की, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। और इंटेंसिव रीडिंग एक कॉन्सेंट्रेट अपॉन द information of the language. So, it concentrates upon the information of the language. Language information के ऊपर concentrate करता है कि how the language is used, how the words are arranged in the sentences, or how the word structure is, and word meaning phrases of everything. तो एवरीथिंग इंटेंसिव रीडिंग के अंदर एक टीचर जो है बच्चों को सभी कुछ सिखाता है वर्ड वर्ड पैटर्न वर्ड स्ट्रक्चर्स वर्ड फ्रेजेस एवरीथिंग इज बीइंग डिटेल स्टडी इन इंटेंसिव रीडिंग सो इट कॉन्सेंट्रेट अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ द लैंग्वेज लैंग्वेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वेदर इट इज ग्रामेटिकल और वेदर इट इज लिंग्विस्टिक एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन दिस इंटेंसिव रीडिंग इसके बारे में देखेंगे तो इंटेंसिव रीडिंग इंग्लिश इज टॉट एट प्राइमरी लेवल एट मिडिल लेवल एंड एट हाई लेवल कोर्स पढ़ाने के लिए इंग्लिश इंटेंसिव रीडिंग का प्रयोग किया जाता है इंटेंसिव रीडिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है ईच कोर्स टेक्स्ट इन प्राइमरी एंड मिडिल एंड हाई स्कूल हाउ विल सी concentrates upon assimilation of language presentation of language which consists of study of words phrases and
कॉन्सेप्टेड बहुत इंटेंसिव लर्निंग की स्टेप को कॉम्प्लीमेंट करता है, स्टेप पर ध्यान देता है एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को आत्मसात करने अपने अंदर उतारते हैं इन द लर्नर ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में कितनी भी वर्ड्स लिखो वर्ड्स अपर होते हैं उसके बारे में समझने फ्रेजेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी डिटेल में डिस्कस किया जाता है. सेकेंड वन इज स्टडी ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग ग्रामर उसके बाद में जो भी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है वो मैसेज को जो भी उसने पढ़ा है रिकॉर्ड किया है उसका कंप्लीट अर्थ उसका कंप्लीट सार भी ग्रहण करना ये भी इससे मिलेगा जानकारी के लिए भी पोटेंशियल रीडिंग की जाती है. सो दिस आर द फोर थिंग्स व्हिच पोटेंशियल रीडिंग द्वारा ध्यान दिया जाता है. एक तो लैंग्वेज को आत्मसात किया जाता है जिसके अंदर वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर सभी आ जाते हैं, फिर ग्रामर के पार्ट्स को भी इंप्लीमेंट किया जाता है और इसका अर्थ और सार उसको भी और गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज. सो ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग कंसीडर्ड अंडर इंटेंसिव रीडिंग. नाउ वी विल सी increases the active vocabulary. It increases the active vocabulary, the using vocabulary of the or the words that are being used by the students in the while learning. So it increases the active vocabulary of the students. Second one, learning grammar and gestures. It helps in learning grammar and structure of a language. Third, it explains the meaning of, it helps in grasping the meaning of the particular text. Fourth one, it improves the overall expression. It improves the power of expression. It improves. It helps in improve the power of expression. Students के अंदर अभिव्यक्ति अपने विचारों को भाव को प्रकट करने में व्यक्त करने के लिए ये सहायता करता है, इम्प्रूव करता है. तो
these are the advantages of intensive reading, increasing the active vocabulary, learning grammar and structure. It explains the meaning, it improves the power of expression. Besides this, it has some limitations of teaching very long passages or very long loose texts. Sometimes it proves to be uninteresting or boring to the students. So, long passages and long course text cannot be taught with intensive reading. So, sometimes it proves to be boring. So, this is the limitation of intensive reading. So, today we have seen intensive reading. It concentrates upon the advantages of intensive reading and the limitation of intensive reading. So today, your home assignment is write a advantages of intensive reading. So you have to write the advantages of intensive reading. So you have to continue. You have to write the advantages of intensive reading. Where we have to, what is my intensive reading? Intensive reading means a minute and detailed study of the course or the prescribed course text. एक निर्धारित पाठ का विस्तृत अध्ययन कहलाता है intensive reading. So today I will stop my class here only. We'll see you in the next class. Till then, as you know, COVID-19, the pandemic is spreading rapidly and its new variant Delta is being there. So, if you are safe, stay at home and wear a mask whenever you are out of your friend.